लाएंगे यूपी में फिर से हम। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज है बृहस्पतिवार और आज यहाँ अयोध्या में हो रहा दुर्दरिया, रामपैड़ी पे हो रहा है, बहुत भव्य हो रहा है राम मंदिर के उपलब्ध में। और तो उसी में हमें भी इनवाइट किया गया है और मैं ना रेडियो गंज में ड्रेस कोड भी येलो कलर का रखा गया है, तो येलो येलो साड़ी मैंने पहनी है और रेड कलर की चुनरी ओढ़ के जानी है। तो ये है चुनरी, एकदम पूरा रेड नहीं है लेकिन फिर भी है चुनरी, तो इसको ओढ़ के जाना है। तो आज था बृहस्पतिवार, मैं सुबह उठी ना, नहा वहा के मैंने पूजा भी किया, मुझे पाठ करना रहता है तो मैंने पूजा किया। हस्बैंड के साथ ही पूजा करती हूँ, दोनों मियाँ अभी भी साथ में करते हैं, तो ये भी करवट के बैठे हूँ। इनसे मैंने बोला छोड़ दो, उठो यार, उठो 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 छोड़ छोड़ के बैठे हूँ यार, बच्चे सो रहे हैं और जा रहे हैं अभी नए घाट पे दिखाएंगे। बहुत ही मतलब बड़ा और बहुत भव्य दुर्दुरिया हो रहा है, यह रामपैड़ी पे पूरा होगा राम मंदिर के उससे, क्योंकि हमारे राम जी आ रहे हैं। तो अयोध्या में तो आप जान ही रहे बहुत कुछ हो रहा है, कलश यात्रा, रथ यात्रा, शोभा यात्रा, बहुत कुछ निकल रहा है और उसी में इन्वाइट किया गया मुझे दुर्दुरिया के लिए भी। तो चलते हैं, दिखाते हैं रामपैड़ी पे। बाप रे, ठंडी लग रही है। सो गाइस, देख सकते हैं मैं यहाँ रामपैड़ी पे पहुँच गई हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हैं औरतें जो हैं धीरे धीरे इकट्ठा हो रही हैं, भीड़ हो रहा है सबका, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। तो ये नागेश्वर नाथ मंदिर के सामने रामपैड़ी पे हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हुई हैं। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे फुल वीडियो में। माताओं बहनों से अनुरोध है, जिनका 15 का ग्रुप नहीं है कृपया वो बता दीजिए। गाइस, अभी यहाँ पे औरतें जो हैं इकट्ठा ही हो रही हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पे ना पूरे रामपैड़ी पे दुर्दुरिया की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पूरे रामपैड़ी पे देखिए, आप पीछे भी देखिए, उस पार भी देखिए सरयू, ये रामपैड़ी है, रामपैड़ी के उस पार भी औरतें हैं, सारी मतलब व्यवस्थाएँ की गई हैं। ये हमारा लैया है, ये हमारी साइड का एक एक घाट पर आप जानिए कि मतलब
कम से कम 100 औरतें बैठी होंगी और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मतलब खुशी हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुद को मैं लकी मानती हूँ कि मुझे मतलब इनवाइट किया गया, हमारा सौभाग्य कि मुझे इसमें इनवाइट किया गया। और आप लोगों को भी मतलब मैं कहना चाह रही, मैं ये वीडियो आप लोगों से पहचाना चाह रही हूँ, आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करिए और मैं इसी तरह आप सभी लोगों से निवेदन, बैठ जाए, मोबाइल सबका ले लिया जाए, आप लोग सभी बैठ जाए, मोबाइल सबका ले लिया जाएगा, फोटो बंद करें। तो गाइस देख सकते हैं कि हम लोगों को 15-15 का ग्रुप बनाना था, तो जिन लड़कियों का 15-15 का ग्रुप बन गया था वो लोग पूजा मतलब स्टार्ट कर दिए हैं, और हम लोग की पूजा हो भी गई है क्योंकि हम लोग का ग्रुप जो है वो सबसे पहले पहुंच गया था, सब लोग पहले ही पहुंच गया था। यहाँ पे देखिए सब लोग का पूजा हो गया, आधे लोग जाने लगे हैं और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई है। गाना बजाना, जय श्री राम की गूंज है पूरी अयोध्या में, और यहाँ पे सारे ग्रुप में सब लोग गाना बजाना कर रहे हैं, गाने बजाने के साथ पूजा सम्पन्न हुआ है। और ये देखिए आप मतलब जो रामपैड़ी के उस पार भी काफ़ी भीड़ है लेडीजों के, दोनों साइड में दुदरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित हैं सब रामलला के आने की खुशी में। यहाँ पे कलश यात्रा और दुदरिया है, रथ यात्रा, शोभा यात्रा, मतलब रंगोली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बहुत खुशी है और खुशी के साथ ये सारी चीज़ें मनाई जा रही है। और अभी ये हाल है तो 22 तारीख को क्या होगा आप समझ सकते हैं, 22 तारीख को तो बहुत सारे उत्साहित हैं सब लोग 22 तारीख को रामलला को उनकी गद्दी पे बैठाने के लिए।
रहा है अभी स्टार्ट हुआ यहाँ पे बताइए। हाँ पूरा उस पार तक देखिए पूरा हो रहा है। अरे इतनी औरतें सब थी। तो गाइस यहाँ पे राम पैड़ी पे चाय की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे प्रसाद पूरी सब्जी भी मिल रहा है। और हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं राम पैड़ी से और चाय पीते हुए घर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ई रिक्शा भी मोदी सरकार ने निकाला है जो लेडीजें चलाएंगी और फर्स्ट टाइम मैं उसमें बैठ रही हूँ। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख के जाइएगा। अगर आप राम के भक्त हैं तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।